नमस्कार मित्रों, एक नया दिन और एक नई सुबह, और हम हैं झारखंड में। ये सामने हमारे सूर्य देवता और उन्हीं से संबंधित है यह स्थान जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। यूँ तो मैं निकला था जमशेदपुर के लिए, मगर मुझे लोगों ने बताया कि रास्ते में ये एक ऐसा सुंदर सा मंदिर है जो आपके सामने है अभी, और आप देखें कि इसकी जो वास्तुकला है और जो बनावट है वो बिल्कुल ही अद्भुत है और थोड़ी अलग है। मैंने अब तक जितने भी मंदिर देखे हैं वो कुछ अलग हैं और ये बिल्कुल ही अलग है। हर मंदिर अपने आप में विशेष होता है, मगर ये बिल्कुल ही अलग है, और इसकी बनावट और इससे जुड़े किस्से उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा पहले आ गए हैं और शायद अभी मंदिर खुला नहीं है, तो हम पता कर रहे हैं कि हम अंदर कब और कैसे जा सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाता चलूँ, ये साइड में रास्ता और ये सामने की जगह आप देखें नीचे, तो बच्चों के पढ़ने का कोई स्थान है और बड़े सुव्यवस्थित तरीके से बच्चों के जो जूते हैं, यहाँ पर मुझे तारीफ करनी होगी, बच्चे शिक्षा का सही लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर ये पार्क में एक मूर्ति, क्योंकि मैं तो कोशिश करूँगा मगर ये बंद है और कुछ दिख नहीं रहा, तो ये एक छोटा सा पार्क और उसमें एक मूर्ति लगी हुई है। और अब आप ये देखें मंदिर, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सूर्य देवता से जुड़ा हुआ मंदिर है, और मैं मानता हूँ कि सूर्य देवता एक ऐसे देवता हैं जो इस घोर कलयुग में भी हमें साक्षात स्वरूप में दिखते हैं, रोज़ दिखते हैं, और हमें तरह तरह के लाभ हैं उनसे, और उन्हें हमारी पौराणिक कथाओं में एक विशेष महत्व के साथ भी जोड़ के देखा गया है। और क्षत्रिय वंश में जिसे सूर्यवंश कहा गया और जिसमें श्री राम का जन्म हुआ, उसमें इन्हें कुल देवता भी माना जाता है। और ये एक ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान श्री राम कभी आए, और यहाँ स्थानीय लोग मानते हैं, जो पहले आदिवासियों ने ऐसा पाया और बाद में उन्होंने लोगों को बताया कि स्थान पर भगवान श्री राम ने तपस्या की वनवास के समय में। और कुछ जगहों पर मैंने इंटरनेट पर पाया कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि माता सीता ने यहाँ पर रसोई बनाई और उसके कुछ चिन्ह हुआ करते थे, और कुछ जगहों पर तो यहाँ तक लिखा है इंटरनेट में कि कोणार्क के जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहाँ पर भी वो चिन्ह नहीं है, और वैसे चिन्ह यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये चारों तरफ मंदिर का प्रांगण और सामने वो मंदिर, और अब मैं जैसा से कह रहा था कि अद्भुत सा है, इसके गुंबद देखें आप, बिल्कुल अलग से हैं हमारे मंदिर के गुंबद, तो ये आकर्षण का केंद्र है और स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं। ये थोड़ा सा करीब करीब आप कह सकते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है रांची से, जमशेदपुर के हाईवे की तरफ। तो ये अब हम मंदिर के अंदर हैं, और ये सामने अश्व और एक बड़ा खूबसूरत सा ये मंदिर, विशाल काय हैं ये, मगर देखने में बड़े खूबसूरत से हैं और बड़े खूबसूरती के साथ इन्हें बनाया गया है। तो सूर्य उपासना भवन, और हम आगे बढ़ते हैं इन सात अश्वों के आगे, देखते हैं क्या है। और ये आपको देखिए गुंबद, और ये चक्र देख रहे होंगे, पूरे मंदिर में ये पहिए हैं सूर्य देवता के, और इनके पीछे भी एक रहस्य है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये बड़ी अद्भुत सी जानकारी मुझे भी मिली, और मंदिर में क्योंकि कैमरा ले आना वर्जित है तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी, आपको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं स्थानीय पुजारी जी से जानकारी लेता हूँ मंदिर के बारे में। बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जो ये स्थान में सूर्य मंदिर जो बने हुए हैं, इनकी प्राचीन मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र भी इसी स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे। आप देख रहे हैं जो विशाल जो मंदिर है, इसमें जो सात घोड़े हैं, और जो रथाकृति में जो है, मतलब आप समझ लें कि आप रथ में खड़े हैं, उसमें जो है सात घोड़े रथ को खींच रहे हैं, 18 पहिए लगे हुए हैं, जो कि आप इधर सामने भी देख रहे हैं कि साथी बैठे हुए हैं, इनका नाम है अरुण देव, जो कि आप देखते हैं कि सूर्योदय से पहले जो लालिमा था उसको अरुणोदय काल कहा जाता है, वही अरुण जी जो है सो इनको जो है सो सूर्य देव को लेके आते हैं रथ में, उसके बाद सूर्योदय होता है, तो वही सूर्यदेव जो है सो रथ में विराजमान है।
जी। अच्छा, इस स्थान का भी पौराणिक महत्व हाँ। कहीं कहीं रामायण में कहीं जिक्र हो या कहीं किसी और किताब के अंदर इसका? देखिए पौराणिक महत्व तो इसलिए मैं बतलाया कि यदि आप देखेंगे तो भगवान राम कहाँ अयोध्या जी, ठीक है, और जो है कहाँ आपका जो है सोलंका। अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे जस्ट जो है सब विपरीत दिशा में जी। अच्छा, और ये कितना पुराना मंदिर है? ये इतिहास के आधार पर ऐसे तो मंदिर आपका जो है सब मतलब 25-30 साल होने जा रहा है जी। और कोई मेला खास तौर से यहाँ लगता हो ऐसा कोई? यहाँ पर जो है सर 25 जनवरी को जो कि 24 मतलब हम लोग जो 14 जनवरी को संक्रांति जो मनाते हैं तो संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है इस क्षेत्र में जो है सो मतलब जगह जगह पर मेला का आयोजन किया जाता है, मतलब टूसू मेला टूसू के नाम से जाना जाता है। और ये 25 जनवरी को यहाँ पर भव्य जो है सो मतलब मेला का आयोजन होता है हर साल प्रत्येक वर्ष होता है जिसमें लाखों की भीड़ होती है। 25 जनवरी। अच्छा, इस पहाड़ी को भी किसी नाम से जाना जाता है या कुछ नाम है इस स्थान का? नहीं, स्थानीय लोग तो इसको सल्फा टोंगरी के नाम से जानते थे जी। अच्छा, ये जो 7 घोड़े हैं और इनमें जो रथ है और रथ के जो पहिए हैं इनका क्या महत्व है? और 7 प्रतीक है और इनके नाम भी जो है 7 घोड़े के अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? जय अजय जित प्राणो जित श्रम मनोजो जित शर्म। तो जैसा अभी पुजारी जी ने बताया इस मंदिर के अंदर सूर्य देवता के अलावा विष्णु भगवान महादेव और जहाँ पर हम खड़े थे अभी वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। तो काफ़ी वर्षाल का ऐसा ये हॉल और इसके अंदर खूबसूरती से बनाया गया ये मंदिर काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ आएंगे। और क्योंकि मैं सुबह सुबह आया हूँ तो मेरी अनुभूति कुछ अलग सी है और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हर दैविक स्थान से मुझे एक ऊर्जा मिलती है और मुझे यहाँ पर वो अनुभव हुआ। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि वो जो चक्र हैं मैं आपको जैसे मंदिर दिखा रहा हूँ आसपास की हरियाली के साथ वो 7 घोड़े 7 रंग की तरह हैं जैसे कि हम इंद्रधनुष में कहते हैं। और वो जो चक्र हैं वो 18 पहिए हैं, चक्र नहीं है वो 18 पहिए हैं। और 18 इसलिए हैं जो मुझे जानकारी मिली वो ये है कि वो हमारे पास 18 पुराण हैं सनातन धर्म के अंदर। और ये उसी विशेषता को दर्शाता है कि कैसे इस मंदिर में उन सारी चीज़ों को लिया गया है जो हमारे धर्म की कह सकते हैं स्तंभ है। तो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको दिखाया गया, ऐसा पुजारी जी ने इन शो का नाम भी हमें बताया। तो एक अद्भुत अनुभव रहा। यहाँ पर मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करूँगा कि कृपया करके हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दैविक यात्रा में जोड़ें। जय सूर्य देवता, आप सभी की मनोकामना पूरी हो जैसे कि हमारी इस यात्रा में हो रही है।